हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 13 ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आप मापुटू को एंजॉय कर सकते हो। तो आखिर तक बने रहिए, मिलते हैं ये छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहला है सेंट एंटोनी कैथोलिक चर्च। बेहतरीन आर्किटेक्चर और खूबसूरत चर्च है ये। खूबसूरत ग्लास के विंडोज के साथ में आपको पीसफुल जगह के लिए अगर जाना है तो ये बेस्ट है। और उसके बाद में है म्यूजियम द हिस्टोरिया नेतुराल। इस म्यूजियम में नेचर की हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, और जो कि एनिमल्स और बाकी चीज़ों को यहाँ पे सजाया गया है वो काबिले तारीफ है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सभी के लिए ये प्लेस काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ये मस्ट विजिट प्लेस में से एक है। मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप वो प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। और ये है प्रासाद इंडिपेंडेंसिया, यहीं पे मोजाम्बिक को मिली थी इंडिपेंडेंस। और ये है स्टैच्यू ऑफ समोरा मशेल, ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर, साथ ही साथ पहले प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक। बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। उसके बाद में है फोर्ट्रेस ऑफ मापुटू, यानी कि मापुटू का फोर्ट, जिसे 1800 सदी में बनाया गया था और आज की तारीख में यह एक म्यूजियम है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट जरूर कीजिए। उसके बाद में है जर्दीन तुंदुरू, यानी कि गार्डन ऑफ तुंदुरू बॉटनी। गार्डन के सामने ही एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू है समोरा मशेल का। और ये है गार्डन का एंट्रेंस दोस्तों, ये काफी बड़ा गार्डन है और ये एक पब्लिक पार्क है। इसे बनाया गया था 1885 में ब्रिटिश गार्डनर थॉमस होनी के द्वारा।
यह प्लेस नेचर लवर्स के लिए एक जन्नत से कम नहीं है। इसके बाद में है वर्कर स्क्वायर, रेलवे स्टेशन के सामने ही है ये एक सुंदर सा ब्यूटीफुल स्टैच्यू जो कि एक हिस्टोरिक मोनूमेंट है। स्टैच्यू के नीचे सोल्जर्स बताए गए हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, और कहा जाता है कि यह स्टैच्यू एक लेडी का है जिसने एक बहुत बड़े स्नेक यानी कि कोबरा को मारा था। इस स्टैच्यू के सामने ही है रेलवे स्टेशन जो कि एक कुलुमगनाना आर्ट गैलरी भी है। यह काफी पुराना रेलवे स्टेशन है लेकिन इसे रिन्यू भी किया गया है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखो तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। इसके बाद में बारी आती है म्यूनिसिपल मार्केट की। यह मार्केट काफी पुराना मार्केट है, 1800 की साल का। इस मार्केट में आपको काफी सब्जियां और फ्रूट्स मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको इंडियन मार्केट भी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे काफी इंडियन आइटम्स आपको मिल जाती है, और लोकल मार्केट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों आपको मपुटू में काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे, जैसे कि मपुटू शॉपिंग सेंटर, बाया मॉल, we'll be right back.